वेलकम बैक टू माय चैनल इन सौम्याज वर्ल्ड। और फिर से होने लगी। गुड मॉर्निंग, आज सैटरडे और ना सुबह से मेरे यहाँ बारिश हो रही। सुबह से क्या, जब मैं अर्ली मॉर्निंग मतलब बहुत जल्दी जब मेरी नींद खुली थी तभी भी मेरे को बारिश की आवाज़ आ रही थी, लेकिन अभी तो पानी थोड़ा सा धीरे हो गया है। लेकिन ना जो बौछार वाली बारिश होती है ना उस तरीके से हुई थी, तो मेरी पूरी बालकनी गीली हो चुकी थी। और ना मैंने शाम को कल मशीन भी लगाई थी तो वो जो कपड़े मैंने डाले थे वो भी सारे गीले हो चुके हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल इन सौम्याज वर्ल्ड। और मैं हूँ सौम्या। सो कैसे हैं आप लोग, मेरे साथ शेयर करना। एंड अभी इवनिंग का टाइम है, मैंने आपको मॉर्निंग में थोड़ी सी क्लिप दिखाई थी जो कि बारिश हो रही थी सुबह सुबह, एंड स्टिल अभी भी बारिश हो रही है, मैं वही देख रही थी। सुबह से मतलब बारिश हो के रह गई, अभी दो दिन को बीच में रुकी थी, उसके पहले भी पूरा दिन कंटिन्यूसली बारिश हुई थी और आज भी हो रही है। इसकी वजह से ना गले में मेरे को ना थोड़ा थोड़ा सा, एक तो वो होता है ना दिमाग में कि हाँ बारिश बारिश हो रही है, मतलब ठंड ठंड ज़्यादा हो गई। सो इसके लिए ना मेरे को अभी से ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे गले में खराश हो रही है कोल्ड। वैसे भी थोड़ा सा भी मौसम ऊपर नीचे होता है तो मुझे कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है। सो इसलिए मैंने फिर दिन में कुछ आपके साथ में शेयर नहीं किया, क्योंकि दिन में ऐसा कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं करा था, पूरा दिन ब्लैंकेट में बस खाना वगैरह खाया बनाया और किचन वगैरह क्लीन करी, क्योंकि आज जो मेरी हाउस हेल्पर है ना वो भी नहीं, मतलब कैसे ही आती जब पूरा दिन ऐसे बारिश हो रही थी, इतना ज़्यादा मौसम ख़राब था, तो इसके लिए फिर वो भी नहीं आई। और मैंने बहुत सारे, एक सेकंड ये देखो, मैंने बहुत सारे ये जो सारे बर्तन हैं ये मैंने अभी क्लीन करे थे, और अभी मतलब शाम का पूरा दिन पता ही नहीं चला कि कभी सुबह हो गया कभी शाम हो गई। सो इस तरीके से पूरा दिन निकल गया। और आज हमें कहीं बाहर भी जाना था तो वो भी नहीं जा पाए, क्योंकि ना मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि मेरे घर में इंटीरियर का वर्क चल रहा है। इसके लिए ना ऐसा कोई भी दिन नहीं होता है कि जिस दिन ऐसा ना हो कि हमें कुछ चाहिए कुछ चाहिए, इस तरीके से ना रोज़ हो ही रहा है। लेकिन क्या हुआ कि अभी बारिश हो रही है तो फिर, और ना दिल्ली में तो आज लॉकडाउन भी, यहाँ नोएडा में नहीं है लेकिन दिल्ली में आज लॉकडाउन भी है और यहाँ भी कभी भी हो सकता है। तो वही हम लोग आज बात कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि मतलब लॉकडाउन हो जाए। फिर ना लॉकडाउन होने में क्या होता है, एक तो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं और ऊपर से मिलती भी है ना तो 1000 की चीज़ 1500 मतलब जो 1000 रुपये की चीज़ होती है ना वो 1500 में मिलती है। सो इस तरीके से होता है। तो हमने ये सोचा हुआ है कि अभी हम ना लिस्ट करेंगे पूरा लिख करके, और जो हमें होगा कि हाँ हमें जल्दी जल्दी से चाहिए होगा तो वो सारा हम ले के रख लेंगे, क्योंकि फिर लॉकडाउन कभी भी लग सकता है इसके लिए। तो बस अभी शाम का टाइम है, मैं ये सारा कुछ हटाऊंगी क्योंकि अभी यहाँ पे भी क्लीन करना है। और आज मैं बहुत ही स्पेशल, मतलब जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसा कुछ बनाने जा रही हूँ। तो फिर चलो चलते हैं किचन में। तो पहले तो ये सारा कुछ हटाऊंगी और फिर ये सारा करते करते चाय बनाऊंगी और फिर हो जाएगा शाम का टाइम। तो आज डिनर में यही बनाने वाली हूँ मैं। तो फिर चलो चलते हैं, पहले ये करते हैं और फिर उसके बाद में बनाते हैं। तो अभी सबसे पहले तो मैं अपनी बास्केट को खाली करूंगी, क्योंकि ना ये सबसे ज़्यादा स्पेस लेती है मेरे काउंटर टॉप में, और जब भी मेरे को किचन में कुछ बनाना होता है ना तो मेरे को प्रॉपर स्पेस की ज़रूरत होती है, वरना फिर ना मैं चीज़ें बहुत फैलाती हूँ, क्योंकि ना जब छोटी जगह में हॉट पॉच होता है ना तो चीज़ें इधर गिरती हैं उधर गिरती हैं, इसलिए, और मेरे से वैसे भी थोड़ी सी ज़्यादा गिरती हैं, इसलिए ना मैं प्रॉपर स्पेस करके करती हूँ। और ना फिर अगर बहुत सारी चीज़ें फैली रहती है ना तो जो साफ़ सुथरी चीज़ें होती हैं ना वो भी गंदी हो जाती हैं, इसलिए ये मेरा सबसे पहले का काम होता है कि अगर बास्केट में बर्तन होते हैं तो सबसे पहले मैं अपनी बास्केट को खाली करती हूँ और फिर उसके बाद में जो भी बाकी काम होते हैं वो करती हूँ। और जब तक मैं ये कर रही थी ना उस टाइम तक मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया था कि अभी बारिश बंद हो चुकी है तो चलो हम कुछ देख के आते हैं, शायद से कुछ एक चीज़ तो मतलब मिल ही जाएगी, क्योंकि हमारा प्लान ये था कि हम सैटरडे और संडे में नोएडा का मार्केट एक्सप्लोर करेंगे और फिर उसके बाद में मंडे अगर हमें यहाँ कुछ ठीक नहीं लगता है तो फिर हम मंडे को दिल्ली जाएंगे, क्योंकि ना अभी था कि अगर चीज़ें यही मिल जाएंगी तो फिर यहीं ले लेंगे। और देखो कितना सारा पानी भरा हुआ है, मतलब ये सिर्फ जो आज का पानी है ना, रात से बारिश हो रही है वो है, और देखो कितना सारा भरा हुआ है, मतलब बारिश भी हुई थी खतरनाक वाली की, बहुत तेज़ से आवाज़ें आ रही थी एकदम पानी पानी की, इसलिए ना देखो बहुत सारा पानी था।
तो वही हम लोग बात कर रहे थे कि अभी तो इतना ज़्यादा मतलब ऐसे सिर्फ एक दिन की बारिश में ये हाल है। और अभी मैं फाइनली पहुँच चुकी हूँ, ये है सेक्टर 9 में। तो अभी हम आए हुए हैं लाइट वाली मार्केट में। बल्ब नॉर्मल बल्ब लग जाता है, कौन सा लगता है? चूड़ी वाला लाओ, नॉर्मल ही लगेगा। चूड़ी वाला मिल जाता है ना इजीली। बहुत अच्छा, कट हो गया है क्या? और यहाँ पर ना बहुत सारे और बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन थे। मतलब मैं कंफ्यूज हो रही थी कि हमें को लग रहा था ये भी ले लो वो भी ले लो। मतलब जब इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना तो फिर हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। लेकिन हम ऐसा तो नहीं कि हम बहुत सारी चीज़ें ही ले लेंगे, जो हमें चाहिए होंगी जितनी उतनी ही लेंगे। तो इस तरीके के ना मेरे को बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था, क्योंकि मैं जब कुछ नया देख रही थी ना तब मुझे लग रहा था हाँ मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। सो इस तरीके से होता है, सबके साथ ही होता है। तो फिर जो हमें पसंद आया, हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ली, लेकिन हाँ दो चार चीज़ें जो हमें पसंद आई फिर मैंने वो ले ली। और फिर सोचा कि अभी एक वीक के बाद ना आके कि दोबारा एक्सप्लोर करेंगे। और फिर अभी यहाँ पे ठंड लग रही थी तो फिर मैंने चाय पी थी और फिर हम वापस आ गए थे। तो हमने सोचा कि जाने जाते एक बार घर भी देख लेते हैं, मतलब हो लेते हैं, क्योंकि आज यहाँ पर काम तो हो नहीं रहा था बारिश की वजह से। आज सब छुट्टी है इसलिए ना एक बार ही आए थे कि हाँ चलो हो लेते हैं। और चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा हुआ है। बस अब मेरे को ये लग रहा है कि हाँ जल्दी जल्दी से मेरा काम हो जाए और फिर हम जल्दी जल्दी से शिफ्ट हो जाए, क्योंकि अब होने लगता है ना तो वेट नहीं होता। तो अभी मैं वापस आ गई हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। आप पीछे देख सकते हो एकदम से अंधेरा अंधेरा हो गया। मतलब मैंने सोचा था शाम में बनाऊँगी, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि ना जब भी कहीं जाओ तो लेट तो हो ही जाता है। तो जब मैं पहले ही जा रही थी तभी मेरे को समझ आ गया था कि हाँ अभी अच्छा खासा लेट हो जाएगा। और वैसे होता तो मैं किसी और दिन का प्लान करती, लेकिन फिर वो मटर वगैरह भी भीगा रखा हुआ था इसलिए मैंने सोचा आज ही बनाते हैं। और पीछे मैंने सारी तैयारियाँ भी कर ली हैं। यहाँ पर देखो सारा सामान भी मैंने इकट्ठा करके रख लिया है। और यहाँ पर रखी हुई है आलू, जिनको मैंने बॉईल करके मैश भी कर लिया है। अनियन है जिसको मैंने चॉप कर लिया है। हरा धनिया है और मिर्च है, उसको भी मैंने बारीक काट लिया है। ये हरी चटनी है जिसको मैंने पुदीना और हरे धनिया से बनाया है, फिर दही को फेंट के लिया हुआ है। आमचूर की खट्टी चटनी है, इमली वाली जो मीठी खट्टी मीठी चटनी होती है ना वो है। और टमाटर है साथ में, इस पर भी मैंने थोड़े से मिर्च को कट करके लिया हुआ है। और यहाँ पर है मटर जिसको बॉयल किया हुआ है और अभी ये गर्म है, लेकिन इतना ज़्यादा मौसम ठंडा है कि अभी तुरंत से ठंडा हो जाएगा, जिसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो सबसे पहले तो अभी मैं ना सामान सारा एक तरफ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी इसको बनाने में भी और सारी चीज़ें चाहिए होगी। तो मैं ना सारी एक साथ पहले निकाल के रख लेती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे जो जो चाहिए होता है ना फिर वो तुरंत तुरंत उठा करके लेते रहो। तो पहले ना आलू की टिक्की बनाने के लिए इसका हम डो तैयार कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ना कि जिसमें मैंने पहले लिए हुए थे वो थोड़ा सा छोटा था, इससे फिर ना मैंने इसको दूसरे बोल में ट्रांसफ़र किया। और यहाँ पर मैंने डाला हुआ है जीरा और फिर इसको डालने के बाद में नमक, तो वो आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें कि जितना चाहिए हो। फिर यहाँ पर मैंने लिया हुआ है चाट मसाला, जो कि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया हुआ है क्योंकि मुझे चाट मसाला बहुत पसंद है, मतलब मैं किसी भी चीज़ से ऊपर से भी डाल लेती हूँ। फिर हरा धनिया और हरा मिर्च, इनको भी मैंने अच्छे से मिला लिया हुआ है। और फिर उसके बाद में आमचूर, वैसे तो चाट मसाला डाला था लेकिन आमचूर का ना अपना अलग ही टेस्ट होता है तो ये डालना तो बनता है। और इन सब को फिर मैंने मिक्स कर लिया हुआ है। और अब मैंने यहाँ पर लिया हुआ है कॉर्नफ्लावर, जो कि मैं भूल गई थी जब मैं मिक्स कर रही थी ना, तो मुझे लगा कि अरे हाँ अभी कुछ तो बच गया है तो मुझे याद आया, इसलिए अब मैंने इसको डाला हुआ है। और ये भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा डो बन के तैयार है और अब हम जल्दी जल्दी से इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। तो आप अपनी शेप और साइज़, मतलब जितना आपको पसंद हो उस तरीके से बना सकते हैं। और यहाँ पर टिक्कियाँ बन करके तैयार हैं, तो मैंने तवे को भी चढ़ा दिया है क्योंकि मैं इनको डीप फ्राई करने नहीं वाली हूँ, मैं सैलो फ्राई करूँगी, क्योंकि मुझे डीप फ्राई ना बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, वो पूरा आप पर डिपेंड करता है। तो अभी मैं इनको सैलो फ्राई करूँगी। टिक्कियाँ मेरी बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी हैं, जिस तरीके से मुझे चाहिए थी। तो चलो अभी हम इनकी चाट बना लेते हैं। तो चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट में दो टिक्कियाँ ली हुई हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं दो का ही बनाने वाली हूँ और फिर अगर इसके बाद में मन करेगा तो फिर वापस से बना लूँगी। और यहाँ पर मैंने जो मटर को बॉयल करा था ना उसको डाला हुआ है और उसमें मैंने नमक पहले से भी थोड़ा सा डाला हुआ था। और फिर उसके बाद में हरी चटनी है और फिर जो आमचूर की खट्टी चटनी थी ना उसको डाला हुआ। यहाँ पर मैंने मीठी वाली चटनी नहीं डाली क्योंकि मेरे हस्बैंड को वाली नहीं पसंद आती है। और फिर इसके बाद में जो दही जो फेंट के लिया हुआ था ना उसको डाला हुआ है। आप यहाँ पर ना मीठी चटनी भी डालो तो फिर ना टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने डाला हुआ है चाट मसाला
और चाट मसाला डालने के बाद मैं नमक, तो नमक बहुत ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि नमक मसाला वगैरह में भी होता है, और फिर जब मैंने मटर बॉयल करे थे उसमें भी था। फिर उसके बाद में मैंने लाल मिर्च पाउडर, और अभी ये मैं यहाँ पर प्याज डाली हूँ जिसको मैंने बारीक कट करके रखा हुआ था, और ये मैंने मूली है ना उसको भी ग्रेट करा था, तो यहाँ पर वही मैं मूली डाल रही हूँ। और ये फुचका गोलगप्पा जिसको मैं ऊपर से डाल रही हूँ क्योंकि ना थोड़ा सा से बाज़ार वाला लुक आ जाता है ना जिसे हम मार्केट में खाते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पर वो डाला हुआ है। और ये मेरी चाट बन करके तैयार है जो कि बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग दिख रही है, और रियली ये ना सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई थी। तो अभी मैं ये अपने हस्बैंड को दे करके आती हूँ और फिर उसके बाद में बनाएंगे दूसरी वाली जो कि मेरे को पसंद है, मैं वो वाली खाती हूँ। अभी मैंने कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है और फिर उसके बाद में जो बारीक कटा हुआ प्याज था वो डाला है, और फिर जो टमाटर और मिर्च मैंने एक साथ में रखे हुए थे वो डाले हैं। लेकिन पहले मुझे लग रहा था कि एक लोगों के लिए इतना टमाटर सफिशियंट है, लेकिन बाद में मुझे टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम लगी। तो अगर आप ये वाला बनाते हैं ना टमाटर चाट, तो आप ना टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा डालें। और फिर मैंने यहाँ पर लाल मिर्च, उसके बाद में नमक, और अभी ये चाट मसाला, तो इन सब को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जब ये गल जाए फिर यहाँ पर मैंने टिक्की डाली हुई है जिनको मैंने सेलो फ्राई करा हुआ था, तो यहाँ पर मैंने दो टिक्कियाँ ली हैं और इनको भी इसमें अच्छी तरीके से मिला लेना है। और फिर इसके बाद में अब मैंने यहाँ पर मटर मिलाया हुआ है, तो ये सब डाल करके अच्छे से फ्राई कर लेना है। फिर जो बाकी की जो चटनी थी ना हमारे पास में, इमली की चटनी और जो आमचूर की चटनी है, वो भी डाल के अच्छी तरीके से फ्राई कर लेनी है। और ये हमारी टमाटर चाट ऑलमोस्ट बन करके तैयार है, मैं ऊपर से सजा लेंगी और बाकी फिर पूरी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज और जो गोलगप्पे को तोड़ के डाला है, मैंने यहाँ पर मूली को वगैरह नहीं डाली क्योंकि मुझे कम पसंद है। तो ये मेरी टमाटर चाट बन करके तैयार है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट दिख रही है। तो अभी पहले मैं ये खाती हूँ और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो यही था हमारा आज का डिनर जो कि हो चुका है, और फिर उसके बाद में मैंने अपनी किचन क्लीन कर ली है क्योंकि ना जब इस तरीके से शाम को किचन वगैरह क्लीन हो जाती है तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। सुबह को बहुत ज़्यादा इजी रहता है क्योंकि चारों तरफ सामान नहीं बिखरा होता है, तो जब भी हम सुबह उठ के आते हैं तो साफ़ सुथरा रहता है। तो किचन साफ़ हो गई है, बारिश फिर से होने लगी। सो अभी डिनर वगैरह मेरा सारा कुछ हो चुका है जो मैंने आपके साथ में शेयर किया, और अभी टाइम हो चुका है 10 बजे का और बारिश फिर से शुरू हो गई है। और ऐसा नहीं कि धीरे धीरे हो रही है, मतलब सुबह तो फिर भी थोड़ी सी धीरे धीरे हो रही थी, अभी तो थोड़ा सा तेज भी हो रही है और पता नहीं ये कब तक चलने वाली है। और मेरे को कोल्ड भी हो रखा है, मतलब अभी मेरे गले में प्रॉपर वाली वो होता है ना खराश सी वैसी हो रही है, और ये मुझे होता है जब भी मौसम बदलता है ना। और अभी तो 2-4 दिन से मतलब ऐसा ऐसा हो रहा है कि कभी बारिश हो रही है कभी रुक रही है, और आज तो सिर्फ शाम में ही थोड़ी देर को रुक के बाकी पूरा दिन बारिश हुई और अभी भी हो रही है और ये पता नहीं कब तक होगी। तो फिर इस वाले ब्लॉग वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर ये थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए, गुड नाइट।